मेरा बड़ा बेटा था 27 साल का है, अब वो भी नशा करता है, वो भी मार पीट करता है, उससे भी मुझे डर रहता है 24 घंटे। वो भी कहता मैं अपनी माँ की वीडियो बना के नेट पे चढ़ाऊंगा, उसको इतना बदनाम कर दूं वो जी नहीं सकती है। मेरा क्या गुनाह, मैंने इतना किया बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। आई सब रिश्तेदारों ने मेरा साथ दिया, उसको मैंने घर से इसीलिए निकाला था, यहाँ भी मुझे तंग परेशान करता था, उसको एक बात बोलती थी गालियां ना सुन। जब भी बड़ी बेटी की शादी तो मेरे हस्बैंड ने की थी कि उसकी वजह से आज उसको तलाक हो रहा है। वो कहते हैं आपकी माँ किराए पे रहती है, आपकी माँ लोगों के घर में बर्तन धोती है, हम आपको तलाक दे रहे हैं। अगर वो मेरी बेटी को तलाक देना भी चाहते हैं तो मैं उसको लाऊंगी कहाँ पे, ना मुझे यहाँ पे घर है ना कोई जगह है, और मैं खुद यहाँ पे किराए पे रहती हूँ, 3000 रुपए में किराया देती हूँ, मुझे बहुत सारी मुश्किलें आ रही है, मैं बहुत मजबूर हूँ, ना तो मैं कभी किसी के दर पे गई हूँ। मुझे बहुत लोग जानते भी होंगे, सोई थी कि पता नहीं औरत क्यों करती है, मगर मुझे आज तक मेरा सहारा कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा। अब जो भी आप लोगों से हो सकता है मेरी मदद करो। अगर मैं किसी के पास जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ कि आजकल के हालात ऐसे ही है, कोई अगर गलत करे या कोई गलत बोले फिर बोलेंगे कि ये औरत ही गलत थी। इसलिए अब उस उम्र की भी नहीं हूँ कि मैं अपना ये गुजारा कर सकूँ। अब मुझे लोग किसी जगह काम पे जाती भी हूँ, लोग मुझे काम के लिए नहीं रखते, कहते हैं कि नहीं आप काम नहीं कर सकती हो। मैं वहां से भी फिर हार थक के घर में आ जाती हूँ। मेरा नाम मुमताजा बेगम है, मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी को 27-28 साल, और उसके बाद मेरे मियाँ के पास कोई मकान कोई जमीन शमीन नहीं थी, तो हम काफ़ी साल करना में मिले, हमें कोई गुजारा वहाँ भी नहीं हो सका। फिर हम आगे श्रीनगर में, हम यहाँ पे मतलब अपने बच्चों को लेके यहाँ लोगों के घर में काम वाम करते रहे आई तक, मतलब फिर उसके बाद 2016 में मेरा हस्बैंड गुजर गया। तो बहुत मतलब रिश्तेदारों ने भी कहा हम आपको ये हेल्प करेंगे, मगर की कि मुझे किसी ने भी नहीं, जहाँ तक कि मुझे अपने रिश्तेदार पूछते ही नहीं है। अब मैं यहाँ किसी के बर्तन किसी का कुछ किसी का कुछ करके मैंने अपनी बेटी की एक ही शादी की, और दूसरे एक बच्चे को मेरे मदरसे में छोड़ा। तो और दूसरे ये क्या बोलते हैं, अब मुझे वो ताक वो बीमार भी खुद रहती हूँ, मुझे जिससे क्या गर्दन के भी और कमर में भी मैं काम शाम नहीं कर। मेरी मैंने जहाँ बेटी की बड़ी बेटी की शादी तो मेरे हस्बैंड ने की थी कि उसकी वजह से आज उसको तलाक हो रहा है। वो कहते हैं आपकी माँ किराए पे रहती है, आपकी माँ लोगों के घर में बर्तन धोती है, हम आपको तलाक दे रहे हैं। उसकी वजह से जहाँ तक मेरा कोई रिश्तेदार उसके हमारे साथ मतलब मेरी बेटी के साथ हेल्प नहीं कर रहा है। दूसरा यह है जो छोटी बेटी की मैंने शादी की है कि उसका मतलब मुझे लोगों ने किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने कितना दिया, किसी ने कितना दिया, कुछ उधार लिया, मैंने बेटी की उस वजह से शादी की। मतलब जहाँ जहाँ मैं काम करते थे उन लोगों ने मेरी हेल्प की। तो मेरी बेटी को तलाक देना भी चाहते हैं, तो मैं उसको लाऊंगी कहाँ पे, ना मुझे यहाँ पे घर है ना कोई जगह है, और मैं खुद यहाँ पे किराए पे रहती हूँ, 3000 रुपए में किराया देती हूँ, मुझे बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, और ना मुझे वहाँ से बोलते हैं आप आ जाओ घर पे बेटी को लेके जाओ, आप रोज रोज फोन करते हैं आप आ जाओ करना में कि ये करो बेटी को लेके जाओ, और इसको हम तलाक देना चाहते हैं कि मेरे पास इतना नहीं है कि मैं किराया ले करना जाऊँ, मैं यहाँ पे भी मतलब लोगों के बर्तन धो के यहाँ से मतलब किराया भरती हूँ। मेरे ऐसे हालात में आप लोगों से कुछ नहीं कह सकती बस, और मुझे बताओ बेटे के बारे में बताओ जिसने आपको ऐसा किया। मेरा बड़ा बेटा था 27 साल का है, अब वो भी नशा करता है, वो भी मार पीट करता है, उससे भी मुझे डर रहता है 24 घंटे। वो भी कहता मैं अपनी माँ की वीडियो बना के नेट पे चढ़ाऊंगा, उसको इतना बदनाम कर दूं वो जी नहीं सकती है। मेरा क्या गुनाह, मैंने इतना किया बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। आई सब रिश्तेदारों ने मेरा साथ छोड़ दिया। झाड़ू पोछा करती हूँ, बाथरूम धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, और क्या मुझे और क्या कौन काम क्या करवाएंगे उससे, कभी 2000 कभी 3000 कभी कोई 4000, बस इतनी उसी से मतलब किराया भराया घर का खर्चा निकलता है।
ना मेरे पास जमीन है, ना मकान है, ना मेरे पास कोई कब्र के लिए जगह है। अगर हम माँ बेटे तो अगर मार के बेटा छोटे वाला मदरसे में पढ़ता है अशरफ लोब में, उसने हिफ्ज किए साल वो फारसी पढ़ रहा है, बाकी रह गया हमारे हमारे तो कब्र के लिए भी जगह नहीं है, ना करना में है ना हमें यहाँ पे है। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि कभी हमारे पास कुछ भी नहीं था, अब ये कभी गैस मटी नहीं होती है, कभी मतलब हीटर तो कोई लगाने नहीं देता है, बहुत बार ऐसे, बहुत बार हम रहे भी ऐसे, अगर रिजिक है तो गैस नहीं है, गैस है तो रिजिक नहीं है, बहुत बार हमने ऐसे वताब करके मसले हम किसी के आज तक हमने किसी को नहीं बोला, आज भी अल्लाह अगर मदद करे तो बाकी हम बंदों से भी कहते हैं मदद करने वाली जात तो नहीं। अब तो मैं हार गई हूँ, मतलब मैं कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ कि मुझे ये है कि ना मेरी अब वो ताकत रही है काम करने की, बहुत काम किया आज तक, किसी ने चावल दिए, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 100 दिया, जो घर का खर्चा निकला, ये किसी के मतलब आज तक जो मेरी मजबूरी है, जो मेरे हालात है, वो वहाँ के वहाँ रह गए, मुझे ना घर ना कोई मतलब ये है जमीन कुछ भी नहीं। अब मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अल्लाह के वास्ते अगर कोई भी मेरी मदद करना चाहे, बहन भाई मुसलमान जिनको अल्लाह ने दिया है, तो मुझे एक कमरे के लिए मुझे मेरे हेल्प करें, मैं दरखास्त कर देना करती हूँ कि कुछ मेरे लिए करें कि मैं बहुत मजबूर हूँ, ना तो मैं कभी किसी के दर पे गई वो लग सकती। मुझे बहुत लोग जानते भी होंगे, सोचते होंगे पता नहीं ये औरत क्यों करती है, मगर मुझे आज तक मेरा सहारा कोई नहीं है, अल्लाह कैसे हो। अब जो भी आप लोगों से हो सकता है मेरी मदद करो। इस वीडियो के साथ मैं अपना नंबर, अकाउंट नंबर और अपना मोबाइल नंबर दे रही हूँ, जिसको भी हेल्प करनी होगी, जो भी मदद करना चाहता है मेरे से रब्ता कर सकते हैं और मेरी ये वेरिफिकेशन पूरी कर सकते हैं, यहाँ से करना से लेके श्रीनगर तक, ऐसा मसला नहीं है, मैं कभी ऐसे काम नहीं करती। अगर मैं किसी के पास जा भी नहीं सकती हूँ, कि मैं बहुत डरती हूँ कि आजकल के हालात ऐसे ही है, कोई अगर गलत करे या कोई गलत बोले फिर बोलेंगे कि ये औरत ही गलत थी, इसलिए मेरी कोई ना कोई मदद करो, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। मुझे बोलना भी नहीं आता है, ना मुझे ये चालबाजी कभी मैंने की है, ना मुझे ये बोलना आता है। अब जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है या देखेंगे, सबके मैं हाथ जोड़ के गिनती करती हूँ कि मेरी मदद करो।